अनुपमा में आगे दिखाई देगा। अनुपमा आध्या को खोजने का मन बना लेती है और द्वारका में आध्या को ढूंढती है। माही उसे हौसला देती है। परी और अंश अपनी दादी को हिम्मत निहारने की बात करते हैं। वहीं व्यास राही को काम देता है। आध्या बच्चों को सुलाने के लिए लोरी गाती है। एक बच्चा आध्या से लोरी के बारे में पूछता है कि उसने ये कहाँ से सीखा। आध्या कहती है ये लोरी उसकी माँ ने उसे सिखाया और वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब बहुत जल्द अनुपमा और आध्या मिलने वाले। दरअसल अनुपमा द्वारका पहुँचेगी और आध्या काम कि मेहमानों को बस स्टॉप से पिक करना होगा। जैसे ही आध्या बस स्टॉप पहुँचेगी और वहाँ पर वो अनुपमा को देखकर शॉक्ड हो जाएगी। आध्या इतने सालों से अपनी माँ से भाग रही है और वो उसे ऐसे देख हैरान रह जाएगी। अनुपमा अपनी बेटी आध्या को द्वारका में ढूंढती है। द्वारका में अनुपमा का पर्स चोरी हो जाता है। आध्या अनुपमा को तो नहीं देख पाती लेकिन उसका पर्स बचाने चोर के पीछे जरूर भागती है। वहीं अनुपमा प्रेम के साथ स्कूटी से चोर का पीछा करती है। अनुपमा द्वारका में उसी आश्रम में रूम बुक किया है जिस आश्रम में आध्या रहती है। आध्या तो अनुपमा को देखते ही पहचान जाएगी लेकिन हालांकि इतने सालों बाद अनुपमा अपनी आध्या को नहीं पहचान पाई।